दोस्तों सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अगर शादी टूटने के कगार पर है तो उन्हें तलाक से नहीं रोका जा सकता, ये कहा है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने। लेकिन ये मैटर क्या था, इसे संपूर्ण वीडियो को आप देखें। दोस्तों अम्बाला फैमिली कोर्ट का एक मैटर है, पति पत्नी 2011 से अलग रह रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति 2011 से अलग रह रहा है लेकिन अम्बाला फैमिली कोर्ट के जज साहब ने उन व्यक्तियों को तलाक की अर्जी पेश की थी, पति द्वारा तलाक की अर्जी पेश की थी लेकिन उन्होंने नामंजूर किया। जब नामंजूर हो जाती है नीचे कोर्ट में तो हाईकोर्ट जाना स्वाभाविक बात है। जब हाईकोर्ट जाते हैं क्योंकि कोई व्यक्ति का रिश्ता टूटने के कगार पे है और 2011 से या बहुत दिनों से बहुत सालों से अलग रह रहे हैं तो उनके जीवन को कष्ट देना भी सही नहीं है, उनके जीवन को परेशान करने का भी कोई इजाजत नहीं देता। लेकिन माननीय सुप्रीम हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है अगर कोई रिश्ता निभा नहीं सकते रह नहीं सकता, शादी टूटने के कगार पे है तो उन्हें तलाक दे देना ही सबसे बड़ी बात है। तो यही हुआ, यही माननीय कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अगर कोई व्यक्ति का रिश्ता निभा नहीं सकते, रिश्ता चल नहीं सकता, बहुत दिनों से काफी दिनों से 2011 से वो अलग रह रहे हैं तो उन्हें तलाक देना ही सबसे बेहतरीन तरीका है। तो यही कहा, यही किया माननीय हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने और उन व्यक्ति की अपील रिवीजन स्वीकार करते हुए उस तलाक को मंजूर कर लिया। इसलिए दोस्तों किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो बिल्कुल इस प्रकार के जजमेंट, इस प्रकार की जो टिप्पणियां होती है उनको आप कोर्ट के सामने पेश कर सकते हैं, जिससे आपका जीवन भी सुखमय हो सकता है। किसी दोस्त ने तलाक की अर्जी कर रखी है तो वो भी इस जजमेंट, इस टिप्पणियों से उसे तलाक आसानी से मिल सकता है। इसलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जो माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि शादी अगर टूटने के कगार पे है तो उन व्यक्तियों को तलाक दे देना ही उचित है, ये कहा है हाईकोर्ट ने। इसलिए दोस्तों अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो बिल्कुल व्यक्ति जो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो कोई टिप्पणी करता है ना तो वो टिप्पणी भी लागू होती है, वो टिप्पणियों के हवाले कि इन्हें ये कहा तो इससे भी अपने को फायदा मिलता है। इसलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए, लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।